खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रसार निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के माननीय निदेशक प्रसार महोदय डॉक्टर संपत लाल मुंद्रा द्वारा की गई। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर पी सी चपलौत ने वर्ष 2020-2021 का प्रगति प्रतिवेदन एवं पिछले वर्ष बैठक में दिए गए सुझावों का अनुकरण प्रस्तुत किया। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक के प्रारंभ में डॉक्टर एस के सिंह निदेशक कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने कृषि वैज्ञानिकों से कृषकों की आमदनी बढ़ाने हेतु आह्वान किया। बैठक के अध्यक्ष निदेशक प्रसार प्रोफेसर संपत लाल मुंद्रा ने सर्वप्रथम कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए केंद्र द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की प्रशंसा एवं सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कम एक किसान उत्पादक कंपनी का गठन का आह्वान किया। शर्मा साहब नाबार्ड से पदक दूसरे डिपार्टमेंट से जो भी अधिकारी कर्मचारी और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जो किसान एवं किसान कृषक महिलाएं डेरी जाट देवीलाल जाट चैन सिंह जी राजेंद्र कुमार जी की सभी का बहुत बहुत मैं महाराष्ट्र इसी तरह से प्रसार शिक्षा निदेशालय की ओर से और चित्तौड़ कृषि विज्ञान केंद्र के साथ सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। साथियों ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है सभी के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। आज की मीटिंग की अध्यक्षता मेरे परिवार की तरफ से आज की मीटिंग के अध्यक्ष डॉक्टर एस ए कुंडला सभी के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। आज की मीटिंग की अध्यक्षता मेरे परिवार की तरफ से आज की मीटिंग के अध्यक्ष